हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम लेके आए हैं कुछ जो एलसीएम है, एलसीएम से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है जो एकदम छाट करके आपके लिए लेके आए हैं, जो एसएससी से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, इनको लेके आए हैं। जो एसएससी जीडी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है इनको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे किया जाता है इनको, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर देखते रहिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा अंतिम तक देख करके कि आपको कैसा लगा, उसके बाद बताइए। चलिए देखते हैं। कह रहा कि सात का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा। देखिए सात का गुणज का इसलिए मतलब कि सात से वो संख्या जो आनी चाहिए, आंसर को कटनी चाहिए, जिसे क्रम से दो चार दो तीन चार पाँच छह से विभाज्य करने पर, यानी विभक्त करने पर क्रम से एक दो तीन चार पाँच शेष आता है। अगर यहां से यहां तक का क्वेश्चन रहता तो हम घटा करके, ठीक है ना, इनमें से इसको क्या करते, बारी बारी से घटा करके क्या एलसीएम लेकर के घटा देते तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे सात का गुणज, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो में से एक घटाएंगे, मतलब पहले वाले को पहले से घटाना। देखिए एक, तीन में से दो घटाए एक, चार में से तीन घटाएंगे एक, पांच में से चार घटाएंगे एक, और छह में से पांच घटाएंगे तो एक। तो आपका ये जो शेषफल बराबर बराबर आ रहा है, इसको अंतिम में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए तो ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, दो तीन चार पांच और छह, इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए दो हो गया, तीन को तीन ही लिखेंगे, चार को लिखेंगे, देखिए दो दूना चार हो गया, पांच लिख देंगे ही, और दो तीन छह इसी में आ गया। तो दो तीन छह और छह नाइन सात, यानी कि साठ क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो अब क्वेश्चन ये कहा है कि वह सात का गुणज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। और ये एक शेषफल आ रहा है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके लिए क्या करते हैं, जितना आपका एलसीएम आएगा उसमें किसी संख्या चाहे एक्स वाई जेड किसी का भी गुणा कर दीजिए, मतलब वो दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना जाकर के ही घटेगा। तो जैसे मान लेते हैं एक्स रख दिए और माइनस एक आपको घटाना है, तो अब आप क्या करेंगे, एक बार x बराबर एक, x बराबर दो, x बराबर तीन और x बराबर चार, बारी बारी से रख करके आपको चेक करना है कि किसको रखने पे, यानी एक दो तीन चार पांच या कोई भी नंबर, किसको रखने पे ये संख्या सात से हमारी कट जाएगी। तो एक बार अगर हम एक रख के देखते हैं तो साठ एकम साठ, साठ माइनस एक गया उनसठ हो जाता है, तो ये सात से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ दो रखते हैं तो साठ गुणे दो माइनस एक, यानी 119 जो है हमारा सात से कट जाएगा, ठीक है ना। तो सात से जब काटेंगे तो सात एकम सात, ठीक है, और सात सत्य चार, तो 17 बार में जाकर के कट जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, केवल 119 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, 119 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 208 है, तथा इनका मौसा कितना है, 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कर। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना कि दो अंकों वाली अगर कह रहा है तो आपको तीन अंकों वाला तो आंसर लेना नहीं, एक अंकों वाला भी नहीं लेना, आपको केवल दो अंकों वाला आंसर लेना है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है गुणनफल दिया हुआ है और मौसा दिया है, तो जब मौसा देता है तो मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या उसको मान लिए एक्स, और जो दूसरी संख्या होगी उसको क्या मान लिए, y। तो जब इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो जो हमारा पहली संख्या हो जाएगी वो 13x होगी, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो 13y हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल होता है, सूत्र होता है, फार्मूला डायरेक्ट यहीं पे आप लगा दीजिए इसको, इतना बराबर 20/28, ठीक है। तो जब लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई बराबर क्या बचेगा, 20/28 बटे ये 13 गुणे 13 कर देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 13 से जब इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 7 बचा, 1 हो गया, 13 5 65 हो जाएगा, 65 यानी 7 बचा, 13 6 78 हो जाएगा, ठीक है, 156 बटे फिर ये 13 बचा, फिर 13 से इस वाले 13 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो 13 से जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12। अब बताइए एक्स वाई का गुणनखंड करने पे हमको आना चाहिए 12। अब देखिए कभी भी इस तरह का जब भी आता है तो जो 12 आएगा इसका एक पेयर हमारा 12 और 1 का बनेगा, ठीक है, और जो दूसरा पेयर हमारा बन रहा है उन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब
तीन गुणे चार, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा पेयर ये बना। अब एक चीज ये बताइए कि 13 हमारा मौसम था, तो मौसम में जब 13 में 12 का गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर तीन नंबर में आ जा रहा, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। तो इसको हमको क्या कर देना है, इस पेयर को छोड़ देना है, इसलिए हम इस पेयर को चेक कर लेंगे। तो 13 में जब देखिए 3 का गुणा करेंगे 13 3 39 आ गया और 13 4 52 आ गया, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बल्कि यहां आपको पेयर लेके नहीं ध्यान देना, ये वाली पेयर पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमको क्या करना है, तीन अंक वाला नहीं लेके चलना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अंक वाली दो संख्या है, तो दो अंकों वाली संख्या क्योंकि ये तीन अंकों हो जा रहा है तो इसको लेके नहीं चलना, इसलिए इसको लेके चलना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से दिया है कि तीन अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लसा इतना है तथा मसा 80 है। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लसा दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे मसा दिया हुआ है। तो देखिए मसा जो होगा एक 80 ए हो जाएगा और ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या 80 बी हो जाएगा। अब इनका लसा तो देखिए उसी 80 में ही ए और बी का जब गुणा कर देंगे, ये नहीं करना है कि 80 का 80 में करके ए और बी में कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। ए में भी 80 का गुणा, बी में भी 80 का गुणा, तो 80 ए बी हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 5760। तो इससे इसको काट देंगे, पहले 1 0 से 1 0 कटा, अब बचा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 से 8 7 56, ठीक है, और 8 9 16, यानी कि जो ए बी हमारा आएगा, सॉरी जो ए बी हमारा आएगा वो कितना है, 72 आ गया। अब देखिए सेम इसी तरीके कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो एक बार हम एक पेयर 72 एक कम 72 का बनाएंगे, दूसरा पेयर देखेंगे तो 8 9 72, क्योंकि इन दोनों में एक का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो 8 9 72 में बना सकते हैं। अब एक चीज देखिए, हमको कहा गया है कि तीन अंकों वाली संख्याएं पता करना है, तो जो हमारा मौसम, अब देखिए जो हमारा मौसम है 80, ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे तो 80 में, अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं 80 का गुणा करके, दोनों में 80 का गुणा अगर हम बारी बारी से करते हैं तो ये आपका देखिए कि आपका ये 4 नंबर में चला जाएगा, ठीक है ना, तो इसको लेके नहीं चलेंगे। और यहां देखेंगे जब 80 का गुणा दोनों में आप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 640 और 8 9 72 720, तो आपका जो आंसर बनेगा, देखिए तीन तीन संख्याओं का जो पेयर बन रहा है उसके लिए ये आंसर सुटेबल हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए कैसा लगा आपको।